हेलो बच्चों, डीएनए की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस किया गया है और प्रोटोजोआ के जितने भी मेंबर होते हैं सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो इसके सारे मेंबर हेटरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब ये अपना फूड नहीं बनाते हैं, दूसरे किसी से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। प्रोटोजोआ की अगर बात की जाए तो इसमें चार ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। प्रोटोजोआ को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। पहला यहां पर ग्रुप है अमीबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेट, तीसरा है सीलिएट और चौथा स्पोरोसोम। जो अमीबॉइड होते हैं उनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन होता है, जो फ्लैजिलेट होते हैं उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो सीलिएट होते हैं उनमें सीलिया पाए जाते हैं और स्पोरोसोम में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं।